राहुल गांधी का मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को। उनका पहला सेटअप लग गया हिंदुस्तान में राजीव गांधी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे। हमारा हैदराबाद ही ले लो, हमारा तेलंगाना ले लो, वी हैव आर आउटर रिंग रोड नेम्ड आफ्टर नेहरू साहब। ये जो चीफ मिनिस्टर है आज का तेलंगाना का, रेवंत रेड्डी, उनको हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि तेलंगाना जो राज बनी है, नया राज बनी है, एक शानदार सेक्रेटेरिएट केसीआर सर ने बनाया, जिसका नाम भी हमने हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे ऑनरेबली उनको रिस्पेक्ट करते हुए दिया। मेरी जहाँ तक नॉलेज है, राजीव जी को इस ये भी मालूम नहीं है कि तेलंगाना नाम का कोई जगह है। स्टैच्यू स्टैंड ऑफ इन तेलंगाना स्पार्क्स कॉन्ट्रोवर्सी और टेंशन बिटवीन कांग्रेस एंड बीआरएस। टू स्पीक फ्रॉम द बीआरएस पार्टी, वी आर जॉइन बाय वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर गारू। सर, राजीव गांधी स्टैच्यू इन द सेक्रेटेरिएट, व्हाट डू यू हैव टू से? राहुल गांधी का मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को। उनका पहला स्टैचू लग गया हिंदुस्तान में। लग तो यही रहा है अब्दुल जी कि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे इंस्टीट्यूशन भरे पड़े हुए हैं राजीव गांधी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे। हमारा हैदराबाद ही ले लो, हमारा तेलंगाना ले लो, वी हैव आर आउटर रिंग रोड नेम्ड आफ्टर नेहरू साहब, वी हैव यूनिवर्सिटीज़ नेम्ड आफ्टर मिसेस इंदिरा गांधी, वी हैव सेवरल इंस्टीट्यूशंस नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी जी, वी हैव द एयरपोर्ट नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी, वी हैव स्टेट हाईवेज नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी, वी हैव यूनिवर्सिटीज़ नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी। वी नेवर अपोज्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स, हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि ये नाम निकाल के उनको डिसरेस्पेक्ट दे, क्योंकि ये सभी लोग लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो हमने पूरा इज्जत से पेश आके उनको कभी उनको लेके कभी हमने डिसऑनर नहीं किया। बट ये जो चीफ मिनिस्टर है आज का तेलंगाना का, रेवंत रेड्डी, उनको हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि तेलंगाना जो राज बनी है, नया राज बनी है, एक शानदार सेक्रेटेरिएट केसीआर सर ने बनाया, जिसका नाम भी हमने हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे ऑनरेबली उनको रिस्पेक्ट करते हुए दिया। साथ ही साथ उसके ठीक सामने वी हैव इरेक्टेड द मार्टियर्स मेमोरियल कॉल्ड अमर ज्योति, सो दैट यू नो वी रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यूथ दैट हैव गिवन देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ तेलंगाना। और बीच में हम चाहते थे, हमने तय किया था, वहाँ पे एक आइलैंड भी बनाया था, और वहाँ पे हमने तय किया था कि तेलंगाना डेसेनियल सेलिब्रेशन जैसा 10 साल कंप्लीट करेगा, 10 साल जब कंप्लीट होगा, नया सेक्रेटेरिएट के सामने मदर तेलंगाना का स्टैचू, तेलंगाना तली का स्टैचू वहाँ पे बनाया जाएगा। पर चीफ मिनिस्टर आते हैं, अब इनको तो अपना कुर्सी बचाओ इस चक्कर में, राजीव गांधी का स्टैचू लगा के सोनिया जी के पास और राहुल जी के पास कुछ मार्क्स लेने थे, तो इन्होंने जल्दबाजी में फैसला भी कर दिया और वहाँ स्टैचू भी खड़ा कर दिया। बट लोग कह रहे हैं कि वो राजीव गांधी का नहीं है बल्कि राहुल गांधी का स्टैचू है। खैर, वो बात छोड़िए, बट मैं ज़रूर कहूँगा चीफ मिनिस्टर से, जैसा हमारी गवर्नमेंट वापस आएगी 2028 में, हम लोग फर्स्ट डे इटसेल्फ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड ऑनर दैट हैज़ टू बी अकॉर्डेड विल अकॉर्ड इट, बट सारे मर्यादा के साथ राजीव जी का जो स्टैचू है, पुतला है, उसको गांधी भवन हम भेज देंगे, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस, जो करना है कर लीजिएगा, वहाँ पर तेलंगाना तली का स्टैचू लगेगा, ये हम करके दिखाएंगे। मेरी जहाँ तक नॉलेज है, राजीव जी को इस ये भी मालूम नहीं है कि तेलंगाना नाम का कोई जगह है हिंदुस्तान में। तो ऐसे आदमी का, जिसका कोई ना वास्ता है ना कोई रिश्ता है तेलंगाना के साथ, उनका जबरदस्ती लाके एक वहाँ पे स्टैचू लगा के, I don't know what he's trying to do. It is insulting. See, like I said, in the last 10 years, we have not changed one institution's name named after either Rajiv Gandhi or Indira Gandhi. But now we are compelled. We have to relook at the airport being renamed. We have to relook at universities being renamed. We have to relook at even state highways named after Rajiv Gandhi be renamed. All because of Revanth Reddy's zid and foolishness. And what is even more fascinating and amusing, Abdul, is Mr. Revanth Reddy, who's so clueless, yesterday talks about how Rajiv Gandhi invented computer. अब चार्ल्स बैबेज जो आदमी ने कंप्यूटर को यू नो क्रिएट किया, उसको क्या हम कहेंगे? और दूसरी बात, ये आदमी कहता है कि राजीव गांधी ने इंडिया में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया। 1956 में जब राजीव गांधी का उम्र था 10 या 12 साल, टाटा ग्रुप ने कंप्यूटर लाया इंडिया में फर्स्ट टाइम। अब ये आदमी चीफ मिनिस्टर, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री और इवन कांग्रेस पार्टी। वो कहते हैं कि राजीव गांधी शहीद हो गए जब प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर से, आप इतिहास जानो, आप टेक्नोलॉजी जानो, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करो। ये दिस काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स दैट ही इज इंडल्जिंग इन शुड बी स्टॉप्ड। सर, आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम द हाई कोर्ट टू डिसाइड रिगार्डिंग द डिफेक्शन ऑफ एमएलएज, नाउ एमएलएज आर कंफ्यूज्ड टू व्हिच पार्टी दे बिलोंग टू। सो व्हाट
MLAs are still with the BRS party. अब यहाँ के जो मिनिस्टर है तेलंगाना के श्रीधर, वो मिनिस्टर कहता है कि वो आदमी बीआरएस एमएलए है, कांग्रेस एमएलए नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो आदमी जाके स्वयं हर घर घर जाके बीआरएस के एमएलए के पास जाके 10 लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया। मैं मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को पूछना चाहता हूँ, आप दोनों में से बेवकूफ़ कौन है आप तय कर लो। क्योंकि चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये हमारा आदमी है, कांग्रेस का आदमी है। अब मिनिस्टर कहता है कि वो बीआरएस का आदमी है। आप दोनों में से कोई एक आदमी सही हो सकता है, कोई गलत है। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, आप तय कर लो। या तो वो बेवकूफ़ जिसने कांग्रेस का स्कार्फ पहनाया बीआरएस एमएलए को, या तो उस बेवकूफ़ से पूछो, या उस आदमी से पूछो जो आज कहता है पार्टी में शामिल होने के बाद, जैसे वो बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला हाल हो गया इन एमएलए का आज। क्योंकि डर लग रहा है उनको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है कि 3 महीने के अंदर डिस्क्वालीफाई करना है। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर से और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, आप ये तय करो, आप डिसाइड करो कि क्या करना चाह रहे थे, आप क्यों डर रहे हो, लिए क्यों, फिर आज मुकरते क्यों, और किस बात से डर रहे हो, हार से डर रहे हो, इलेक्शन से डर रहे हो, किस चीज़ से डर रहे हो, ये बताओ। इफ द एमएलएस आर ट्राइंग टू गेट बैक टू द बीआरएस पार्टी, वुड योर पार्टी एक्सेप्ट? आई थिंक दे नॉट। वेल, द कांग्रेस गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश हैव कम अप विद अ यू नो अ डिसीजन, दे आर प्लानिंग टू गेट कैनबीज लीगल। So this is following the financial crisis is what is being said. Now your party has been time and again claiming that Telangana is also reeling with financial crisis. So what do you think? Is it going to affect the? Himachal में जाती है Congress party, वहाँ कहती है कि 10 guarantee अमल करेंगे। Karnataka में आते हैं और 5 guarantee बोलेंगे। Telangana में आएंगे बोलेंगे 6 guarantee दे देंगे और 420 और assurances भी देंगे। आज हालत ये है Congress का, प्लेबुक में पहली चीज़ ये करते हैं कि कुछ भी बोलते हैं सत्ता में आने के लिए, कुछ भी बोलेंगे। अगर आप बोलोगे कि चांद तोड़ के ला दो तो भी बोलेंगे हाँ ला देंगे, पर बाद में सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो पैसा नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या करेंगे, अटेंशन डाइवर्शन गेम शुरू कर देंगे, बोलेंगे कि कोई स्कैम हुआ है या कोई और इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसको लेके लोगों को गुमराह करने की, बहकाने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में जो हिमाचल ने किया, पैसे नहीं है इसलिए गांजा उगाएंगे, इसलिए कैनबिस उगाएंगे। तो मैं तो मानता हूँ राहुल गांधी जी को बताना होगा, क्या ये कांग्रेस पार्टी का नेशनल पॉलिसी है क्या कि हर राष्ट्र में, हर राज्य में जहाँ कहीं भी कांग्रेस लड़ेगी, पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि आप गारंटी के नाम पे लोगों को हथेली में जन्नत दिखाओ, बेवकूफ़ बनाओ, वोट ले लो, फिर बाद में इमीडिएटली, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि हमने कभी कैलकुलेशन नहीं किया था इसलिए गांजा उगाएंगे। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी से इसका एक नाम दे दीजिएगा, स्कीम बना दीजिएगा, राहुल गांधी गांजा स्कीम बना दो और अनवेल कर दो और पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में इंट्रोड्यूस करो और लोग तय करेंगे आपका और कांग्रेस पार्टी का क्या करना है। सो यू हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट अ फुल्ली फंक्शनल होम मिनिस्टर इन द स्टेट, कैबिनेट एक्सपेंशन इज स्टिल पेंडिंग, लाइक यू नो दे हैव टू बी मेंटेन्ड, नो मर्डर्स आर हैपनिंग इन डेलाइट, ब्रॉड डेलाइट इन हैदराबाद। इनफैक्ट prominent Telugu newspapers have been reporting that 30 murders have happened in 28 days. और एक prominent Telugu paper है, उन्होंने तो लिख दिया कि इस शहर को क्या हो गया। और साथ ही साथ आज मैं देख रहा था पुलिस के गाड़ी में डीजल डालने के तक पैसे नहीं है, इसीलिए पेट्रोल पंप वाले बंद कर दिए हैं गोदावरी खनी में, वहाँ की कमिश्नरेट में पुलिस व्हीकल जो है तम पड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली क्लूलेस। बच्चों के पास चॉकपीस नहीं है स्कूल में, गाँव में जहां हमने पल्ले प्रगति करके एक शानदार प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां हमने 30% अवार्ड जीता पूरे हिंदुस्तान में, नेशनल रूरल पंचायत अवार्ड्स, आज उसी गाँव में आज मलेरिया और डेंगू फैल रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट पैरालिसिस है, फेलियर है। और लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि डिजास्टर्स लॉ एंड ऑर्डर है। आज हैदराबाद में एक MLA 20-20 गाड़ी लेके, एक फैक्शन मूवी में जो दिखाते हैं ना, लोग हैंग करते हुए व्हीकल से पुलिस एस्कॉर्ट के सहित दूसरे एमएलए के घर पे जाके अटैक करता है। अभी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नहीं तो क्या है? आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड सीरियसली रीथिंक ऑन इट्स प्रायोरिटीज एंड फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ऑन अदर न्यूसेंस इश्यूज। वन लास्ट क्वेश्चन सर, योर पार्टी हैड यू नो एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन दैट इन दिस टेन्योर वन नेशन वन इलेक्शन
and also WAF amendment day, your party has given your opinion. What do you have? Not seen Amit Shah's statement. If he has indeed made a statement, let me see what he actually said, whether they will be implementing, whether they're again generally trying to make statements and not do much about it. We'll have to see the actual statement and what the intent is of the government. The country needs one nation, one election. That's what I'm saying. I don't know what the Home Minister said. Let me actually see what he has said, and then we'll see. I can't say this as an individual. We have to sit together as a party and discuss on what good can come of it, what bad can come of it. Is it good for a federal republic? Is it not good? We have to discuss all this, and then we'll come back with an amendment bill to be passed in the coming days as well. Joint parliamentary committee has been constituted. We will, our honourable former Home Minister and MLC, Mr. Mahmood Ali, has been, invited. We'll certainly express our opinion to the Joint Parliamentary Committee and all the forums wherever it is required. Thank you so much for speaking with us. So this was BRS Working President and MLA, Abdul Bashir, Hyderabad.